प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा छह विषय प्रश्नावली 3.2 का अध्ययन करेंगे। इसमें जो पहला सवाल है, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है, यानी किन्हीं दो संख्याओं का योग सम या विषम होता है यदि ये दोनों विषम संख्याएं हैं। पहले का ए नंबर विषम संख्या है, यानी दोनों विषम संख्याएं हो तो उनका योग सम होता है। उदाहरण जैसे विषम संख्या जैसे ए हो गई प्लस ए, दोनों विषम संख्या होनी चाहिए क्रम से। ए को एक दो, जैसे तीन प्लस तीन बराबर छः, जैसे पाँच प्लस पाँच बराबर दस। अब इनके जो योग आ रहा है वो क्या है, सम। तो अगर दो विषम संख्याएं हो तो उनका जो योग करेंगे जोड़ करेंगे तो उनका जो अंशवर आएगा वो सम आएगा, इसलिए इसका उत्तर होगा सम। और सम संख्याएं हो, अगर दो सम संख्याएं हो जैसे हमने उदाहरण लेते हैं दो प्लस दो बराबर चार, चार प्लस चार बराबर आठ, छः प्लस छः बराबर बारह। अब इसमें जो योग आ रहा है, इन दो सम संख्याओं का योग विषम आ रहा है, ये दो संख्याएं का योग भी सम, ये दो संख्याएं सम है इनका योग भी सम आ रहा है, तो इसका उत्तर ही होगा सम। यानी दो विषम संख्याएं हो उनका उत्तर भी सम में आएगा और दो सम संख्याएं हो उनका उत्तर भी सम में आएगा। दो में से दो गया शून्य, ऊपर से उतारा छः और दो दिया छः,
6 में से 6 गया है तो अब देखो जो उत्तर आया है वो किसमें आया है विषम में आया है और देख लेते हैं जैसे अपने 24 ले लिया 24 में 2 का भाग देंगे तो 2 एक में 2 ऊपर से उतारा 4 2 दूनी 4 तो इधर 12 आ रहा है इधर सम आ रहा है इधर विषम आ रहा है अब आप देख रहे होंगे कि 26 में हमने 2 का भाग दिया यानी ये सम संख्या सम संख्या में 2 का भाग दिया तो उत्तर आया 13 और इधर 24 में 2 का भाग दिया तो उत्तर आया 12 यानी ये विषम संख्या है और ये सम संख्या है और आपने ये क्या कह रहा है कि यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भाग का सदैव विषम होता है तो इधर सम भी आ रहा है और विषम भी आ रहा है इसका मतलब ये असत्य है यानी हम 2 का भाग किसी संख्या में देते हैं तो उत्तर विषम में भी आ सकता है और सम में भी आ सकता है आगे ई नंबर सभी अभाज्य संख्याएं विषम है तो सभी जो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है जिनका जो गुणनखंड है गुणनखंड में 2 अंक आते हैं जैसे हम 5 में भाग देते हैं तो 5 एकम 5 फिर 1 एकम 1 तो जो 5 के गुणनखंड कौन कितने हो गए 2 अंकों में है ये और 2 ये 2 अंक में है जिनके गुणनखंड 2 अंकों में आते हैं वो अभाज्य संख्या होती है तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम है कोई जरूरी नहीं है इसमें एक अपवाद है अंक 2 ये एक सम संख्या है और साथ में अभाज्य संख्या भी है तो एक ही अपवाद के रूप में है सिर्फ 2 ही ऐसी अभाज्य संख्या जो सम है बाकी जो अभाज्य संख्या है वो सारी की सारी विषम में है लेकिन एक 2 है वो सम संख्या है जो इसका ये यहां पे कहना बिल्कुल गलत है असत्य है अब अपने चलते हैं सवाल नंबर 2 के एफ में अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते तो अभी मैंने आपको बताया कि अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं जिनके 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या होती है कोई भी अभाज्य संख्या ले लो आप जैसे 13 है 13 में 13 का ही भाग जाएगा 13 एकम 13 और 1 एकम 1 तो इसके जो गुणनखंड है वो 2 आ जिनके 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या होती है और ये कह रहे हैं कि कोई गुणनखंड नहीं होते तो इसका मतलब ये असत्य है क्योंकि इसके गुणनखंड होते हैं और 2 होते हैं आगे चलते हैं सवाल नंबर जी की ओर 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है हमने करके देख लेते हैं 2 अभाज्य संख्याएं लेनी है कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले लो जैसे 2 ले लिया और 3 ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं इनका योग होता है 5 और उदाहरण ले सकते हैं जैसे 7 हो गया और 13 2 अभाज्य संख्याएं 7 और 13 20 अब ये विषम विषम आया है और ये सम आया है तो ये कह रहा है कि सदैव सम होता है तो कोई जरूरी नहीं कि सम हो क्योंकि विषम में भी उत्तर आ सकता है और सम में भी आ सकता है तो ये भी असत्य है आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है बिल्कुल राइट कह रहा है ये कि केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है सभी अभाज्य संख्याओं में सिर्फ 2 ही एक केवल एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है तो ये सत्य है आई नंबर सवाल की ओर सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं अभी आपने ऊपर पढ़ा होगा कि 2 सम संख्या है लेकिन वो अभाज्य संख्या है ये कह रहे हैं कि सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या तो केवल 2 ऐसी है संख्या जो सम संख्या है और अभाज्य भी है और बाकी सभी जो सम संख्याएं वो भाज्य संख्याएं हैं लेकिन 2 केवल अभाज्य संख्या है तो ये भी गलत है आगे जे नंबर 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है तो अपने कोई भी 2 सम संख्याएं ले लेते हैं जैसे 2 × 4 2 चुके आप और भी कोई ले सकते हैं जैसे 6 ×
बारह